देखिए एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां मैंने किसी बच्चे को मारा है। हालांकि ये सीक्वेंस हमारे फिल्म का हिस्सा है, हमने एक रिहर्सल कर भी थी। एक पीछे से बंदा मुझे कहता है कि ए बूढ़ा, टोपी बेचनी है क्या? मैंने हैट पहनी हुई है। तो वो आता है तो मैं उसको पकड़ता हूँ, मारता हूँ। मैं कहता हूँ बदतमीजी बंद करो, तमीज से पेश आओ, ये तरीका था। और वो भाग जाता। अब एक रिहर्सल हम कर चुके थे और दूसरी रिहर्सल करनी थी। डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं, तो मैंने कहा शुरू करो ना। तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहां से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया। तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी। मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहां से। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिखता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गए। भाग जाने के बाद वो शायद उसके दोस्त ने कहीं वो शूट किया होगा। हालांकि हमने कभी किसी को फोटो के लिए ना नहीं बोला, और ऐसे हम करते नहीं वहां पर, वो फोटो खींचे भी हम बोला। इतनी भीड़ रहती है वहां घाट पे, और ये तो मार्केट में सीन ये होता। अब ये गलती से हो गया, हमको मालूम है वो कहाँ से आया, हमको हम अपना ही बंदा समझ के लिए किया है। तो अगर गलत फहमी कोई है तो माफ करो, हम ऐसे कभी किसी को मारते नहीं। आज तक ऐसा हमने किया, वो सभी के काशीवासी है, सभी के जो है इतना प्यार करते हैं लोग हमसे, और हम कैसे हद तक नहीं। मैं उसको सामने माफी मांग लूँ। वो उस दिन भाग गया, भाग गया, और हम ढूंढते रहे उसको। मैंने कहा यार खामखा उसने एक लफड़ था, उसको ढूंढ लो, हम माफी मांगी। वो भाग गया, कहीं डर के मारने ऐसे रिहर्सल के बीच में घुस गया तो उसको लगा और मारे ये सर। तो लेकिन माफ कर लो, ऐसा कुछ करते हैं। लोग इतनी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। हम घाट पर तो आप जानते हैं कितनी भीड़ होती है, लेकिन वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिन से शूटिंग कर रहे हैं, अभी कुछ 15 दिन शूटिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।